हजरात, ये वाक्या यहाँ से शुरू होता है। स्वास्थ्य रमाय यमन में एक लड़की थी, शबीना नाम था उसका। अताअत बाप की और माँ की करना काम था उसका। वो लड़की शहर काजी की हया की शाहजादी थी। मैं रमजा के रोजे रखती थी, सच्ची नमाजी थी। खुदा ने शहर काजी को भी दौलत से नवाजा था। खुदा की राह में खैरात करना काम उसका था। शबीना साइलों को पर्दे से खैरात करती थी। हमेशा झोलियां वो मांगने वालों की भरती थी। सवाली उसके दर से कोई भी खाली ना जाता था। शबीना से सवाली मांगता था जो भी पाता था। खड़े होकर कतारों में सवाली भीख लेते थे। सलामत रहने की भी दुआएं उसको देते थे। सुनी शोहरत शबीना की जो एक जालिम शराबी ने। सुनी शोहरत शबीना की जो एक जालिम शराबी ने, तो दिल में इम्तहान लेने की ठानी फिर शराबी ने। शराबी क्या इम्तहान लेता है? समा फरमाए सवाली बन के आया और सदा दिया के चौखट पर। खुदा के वास्ते लीजिए इनायत की नजर मुझ पर। शबीना तस्तरी में रुक के कुछ दामों दिरम लाई। दिया पर्दे से जब उसने तो साहिल की सदा आई। मुझे जर की तमन्ना है न दौलत चाहता हूँ मैं। तुम्हारे दर से एक दिल की मसर्रत चाहता हूँ मैं। खुदा के नाम पर तुमको ही तुमसे मांगता हूँ मैं। शबीना तुमसे अपनी शादी करना चाहता हूँ मैं। तुम्हें है पंजतन का वास्ता इकरार कर लेना। तुम्हें पंजतन का वास्ता इकरार कर लेना। तुम्हें है पंजतन का वास्ता इकरार कर लेना। तुम्हें है पंजतन का वास्ता इकरार कर लेना। सवाली हूँ तुम्हारा तुम मेरे दामन को भर दे। पंजतन का वास्ता इकरार कर लेना। सवाली हूँ तुम्हारा तुम मेरे दामन को भर देना। एक शराबी शबीना के दरवाजे पर आनके क्या इल्तिजा करता है? समा फरमाए शबीना ने सुनी ये बात तो लर्जा हुआ तारी। हुए खामोश
होश लब और आ गई सख्ते में बेचारी। सुनी काजी ने जब ये गुफ्तगु तो आया चौखट पर, कहा ओ बे अदब अल्लाह की फिटकार हो तुझ पर, तुझे इस तरह की बातों पे क्या गैरत नहीं आई। मैं तेरी खाल खिंचवा दूंगा अब सूरत जो दिखलाई। बहुत नाराजगी काजी ने दिखलाई शराबी को, मगर अफसोस कुछ गैरत नहीं आई शराबी को। शबीना ने कहा नाराज इस पर हूँ मत होए बाबा, हमारे अब्द की जा करके तैयारी करो बाबा। शबीना ने शराबी से कहा बारात ले आओ, हमारा अब्द इशाबाद होगा जाओ घर जाओ। परीशा शहर कैसी था कि अब क्या होने वाला है, शबीना ने मेरी ये आज किस मुश्किल में डाला है। मगर अल्लाह मदद करता है अपने जान सारों की, मगर अल्लाह मदद करता है अपने जान सारों की, मगर अल्लाह मदद करता है अपने जान सारों की, मगर अल्लाह मदद करता है अपने जान सारों की। खुदा भी खूब सुनता है दुआएं रोजादारों की, शबीना ने शराबी से कहा बारात ले आओ, हमारा अब दिशा बाद होगा जाओ घर जाओ। परीशा शहर काजी था कि अब क्या होने वाला है, शबीना ने मेरी आज किस मुश्किल में डाला है। मगर अल्लाह मदद करता है अपने जान सारों की, खुदा भी खूब सुनता है दुआएं रोज़ादारों की। शबीना अपने वालिद से क्या कहती है मुलायजा फरमाएं। शबीना ने कहा बाबा हमारी फिक्र मत करना, हमारी रुखसती बाबा फजर के बाद तुम करना, खुदाए पाक की शायद यही मर्जी है बाबा। है इनके नाम पर कुर्बान मेरी जिंदगी बाबा, अजब हलचल मोहल्ले में मची बारात जब आई। समझ में बात ये छोटे बड़े के कुछ नहीं आई। शबीना का हुआ जब अब्द एक बिजली सी चमकी थी, न पहले इससे ऐसी रोशनी लोगों ने देखी थी। शरीयत के मुताबिक काम सब अंजाम पाए थे, मगर हैरत में थे जो भी बराती साथ आए थे। हुआ आला बराती सभी खाना खा के जाएंगे, हुआ आला बराती सभी खाना खा के जाएंगे, हुआ आला बराती सभी खाना खा के जाएंगे, हुआ आला बराती सभी खाना खा के जाएंगे। ये रमजान का महीना है शबीना पढ़ के जाएंगे।
शबीना का हुआ जब अब देख बिजली से चमकी थी, न पहले इससे ऐसी रोशनी लोगों ने देखी थी। शरीयत के मुताबिक काम सब अंजाम पाए थे, मगर हैरत में थे जो भी बराती साथ आए थे। हुआ ऐला बराती सभी खाना खा के जाएंगे, ये रमजान का महीना है शबीना पढ़ के जाएंगे। बराती आपसी में क्या कहते हैं समा फरमाए। बराती सुन के ये ऐला मसर्रत से ये कहते हैं, बनाई एक शराबी की मोहब्बत से ये कहते हैं। शहर के वक्त शहरी खा के सब अपने परायों ने, के रोजे की नियत की हो के खुश अपने परायों ने। शराबी ने भी मजबूरन नियत रोजे की कर ली थी, मगर क्या बात थी दिल में किसी ने ये ना समझी थी। फजर का वक्त जब आया हुई लोगों को हैरानी, के आया था वजू के वास्ते सबके लिए पानी। शबीना ने भी पानी अपने शौहर के लिए भेजा, तो मजबूरन शराबी भी वजू के वास्ते उठा। वजू करके नमाजे फजर जब पढ़ ली शराबी ने, ये पहली बंदगी अल्लाह की कर ली शराबी ने। शबीना ने नमाजे फजर पढ़ कर ये दुआ मांगी, मेरे अल्लाह नियत ठीक कर दे मेरे शौहर की। शबीना नमाज़े फज्र पढ़कर अल्लाह तबारक ताला से क्या दुआ मांगती है समा फरमाए। शबीना ने नमाज़े फज्र पढ़ के ये दुआ मांगी, मेरे अल्लाह नियत ठीक कर दे मेरे शौहर की। तो पहले मुस्तफा शौहर इसे मौला हिदायत दे, इसे इंसान बना दे और इंसानी शराफत दे। मुझे भी सब्र दे दे ऐ खुदा खातून जन्नत की, रहूं दुनिया में सारी जिंदगी पाबंद सुन्नत की। हिलाती अर्श को भी है फिजाए रोजादारों की, हिलाती अर्श को भी है फिजाए रोजादारों की, हिलाती अर्श को भी है फिजाए रोजादारों की, हिलाती अर्श को भी है फिजाए रोजादारों की। खुदा भी खूब सुनता है दुआए रोजादारों की। तो फैले मुस्तफ़ा शौहर को ऐ मौला हिदायत दे, इसे इंसान बना दे और इंसानी शराफत दे। मुझे भी सब्र दे दे ऐ खुदा खातून जन्नत की, रहूं दुनिया में सारी ज़िंदगी पाबंद सुन्नत की। हिलाती अर्श को भी हैं फिजाएं रोज़ादारों की, खुदा भी खूब सुनता है दुआएं रोज़ादारों की। शबीना को जब घर से रुख्सत किया तो उसके बाप ने उसको क्या नसीहत की समा फरमाए। शबीना को किया जब घर से रुख्सत शेर काजी ने, कि
किया बेटी को फिर अपनी नसीहत शहर कैदी ने। ए बेटी दिल से करना तुम इताअत अपने शौहर की, हमेशा दिल में रखना तुम मोहब्बत अपने शौहर की, मुसीबत में हमेशा सब्र करना ऐ मेरी बेटी, कोई शिकवा जुबा से तुम न करना ऐ मेरी बेटी, हमेशा अपने घर वालों से पेशा ना मोहब्बत से, कभी मुंह मोड़ना अपना ना तुम कानून कुदरत से, हमेशा पंज गाना तुम नमाजों को अदा करना, कलाम पाक पढ़ना और तुम शुक्रे खुदा करना, हुई रुखसत शबीना घर से जब ससुराल में आई, कहा सबने खुदा महफूज रखे हर बलाओं से, शबीना हो के रुखसत घर से जब ससुराल में आई, शबीना हो के रुखसत घर से जब ससुराल में आई, अजब माहौल था घर का सफाई थी ना सुतराई, अजब माहौल था घर का सत शबीना घर से जब साए में दुआओं के, कहा सपने खुदा महफूज रखे हर बलाओं से, शबीना होके रुखसत घर से जब ससुराल में आई, अजब माहौल था घर का सफाई थी न सुतराई, शबीना जब ससुराल में आई तो उसके कमरे का क्या माहौल था, सवा फरमाए। जो कमरा था शबीना का वो एक मैखाना लगता था, कहीं बोतल थी रखी और कहीं पैमाना था रखा, खंगाला बोतलों को और उसने मेज पर रखा, भरा बोतल में पानी पढ़ के सूरह फातिहा फूंका, भरा पैमाना उसने सूरह इखलास को पढ़कर, सलीके से सजा कर रख दिया रूमाल से ढककर, शबीना ने कहा रोजे से हो आराम कर लो तुम, अजा होने को है जाओ नमाजे जहर पढ़ लो तुम, शबीना की ये बातें तो गिरा लगती थी शौहर को, मगर पिघलाए देती थी शबीना दिल के पत्थर को, नमाज़े ज़ोहर पढ़कर आ गया मस्जिद से जब शौहर, शबीना भी लगी करने तिलावत ज़ोहर को पढ़कर, अदब से बैठ कर कुरान को सुनने लगी शौहर, असर हर लफ्ज करता जा रहा था जहन पर दिल पर, तिलावत की शबीना ने असर तक दिल से कुरआन की, मोहब्बत दिल के शौहर के बड़ी उस पाक दामा की, हुए फारिग नमाज़े असर पढ़कर जिस घड़ी दोनों, हुए मसरूफ फिर तैयारी में अफतारी की दोनों, हुआ जब वक्त मगरिब का किया अफतार दोनों ने, नमाज़े हक अदा की घर में पहली बार दोनों ने, हुए खाने से फारिग तब चला शैतान का चक्कर, बढ़ा बोतल उठाने के लिए जब मेज से शौहर, शबीना ने कहा तशरीफ रखिए मैं पिलाती हूँ, उठाकर मेज से लबरेज करके जाम
लाती हूँ। शबीना ने दिया जब जाम को शौहर के हाथों में, वो उसको पी गया लहरा के अपनी चंद सांसों में। पिया शौहर ने जिस दम सूरह इखलास का पानी, पिया शौहर ने जिस दम सूरह इखलास का पानी, पिया शौहर ने जिस दम सूरह इखलास का पानी, पिया शौहर ने जिस दम सूरह इखलास का पानी, खुदा ने खत्म कर दी उसकी जो आदत थी शैतानी। खुदा ने खत्म कर दी उसकी जो आदत थी शैतानी, खुदा ने खत्म कर दी उसकी जो आदत थी शैतानी, खुदा ने खत्म कर दी उसकी जो आदत थी शैतानी। हजरत जिस दम सूरह इखलास का पानी उस शराबी ने पिया, उस पानी को पीते ही उसके ऊपर क्या असर हुआ, समझ फरमाएं। पिया शौहर ने जिस दम सूरह इखलास का पानी, खुदा ने खत्म कर दी उसकी जो आदत थी शैतानी। शबीना को लगा कर सीने से वो इस कदर रोया, गुनाहों से करी तौबा भी और अश्कों से मुंह धोया। शबीना से कहा शौहर ने मुझको माफ कर दीजिए, करम कीजिए खुदा के वास्ते दिल साफ कर लीजिए, मेरा मकसद तुम्हारा इम्तहान लेना था ऐ बेगम, मगर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था बेगम। चलो चल कर के अब्बा जान से माफी तलब कर लें, दुआए मोतियों के चल के अब दामन को अब भर लें। शबीना साथ में शौहर को लेके अपने घर आई, माफी जब तलब की तो दुआ वालिद ने फरमाई। शहर काजी ने जिस दामाद को अपने दुआएं दी, खुशी से ये उमर आजाद हूरों ने सदाए दी। पसंद आती है कुदरत को अदाए रोजादारों की, 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 खुदा भी खूब सुनता है दुआए रोजादारों। खुदा भी खूब सुनता।